बरतानाबाद पाके मंडल अध्यक्ष द्वारा अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक दुकान पर जबरन कब्जे का प्रयास किया गया। दुकान स्वामी ने विरोध किया तो आरोपी मंडल अध्यक्ष सहित उसके गुर्गों ने महिलाओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा मंडल अध्यक्ष रणवीर ठाकुर, किशन चौहान महिलाओं से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सपा नेता प्रदीप चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ मारपीट छेड़छाड़ की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया है। बृहस्पतिवार को बरसाना के बाजार में नितेश की दुकान पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष रणवीर ठाकुर और पुरन्नो किशन चौहान अपने गुर्गों के साथ कब्जा करने पहुंचे। दुकान स्वामी नितेश व उसकी बहन ने विरोध किया तो उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। दुकान स्वामी की बहन के सिर में गंभीर चोट लगी है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसएसपी के हस्तक्षेप के उपरांत पुलिस ने पीड़ित दुकान स्वामी की तहरीर पर मंडल अध्यक्ष रणवीर ठाकुर, किशन चौहान आदि के खिलाफ मारपीट छेड़छाड़ की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायल युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएससी केंद्र बरसाना भेज दिया। वहां चिकित्सक अधीक्षक मनोज वशिष्ठ ने युवती के मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया। सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद जिला अस्पताल में युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। सीओ गौरव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह, किशन चौहान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रणवीर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है।